नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए चलते हैं मानसून की क्या गतिविधियां रही पिछले 24 घंटों में। तो हम सबसे पहले अगर इस सब डिविजनल मैप को देखें तो आप देख सकते हैं मध्य भारत से लेकर पूर्वी राज्य और साथ में पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम इसमें उत्तराखंड को भी अगर इसमें शामिल करें तो उत्तर प्रदेश के ये इलाके, खासकर पूर्वी इलाके में काफ़ी भारी वर्षा हुई है। साथ ही साथ जो पूर्वी मध्य प्रदेश का जो ये इलाका है, यहाँ पर भी भारी वर्षा हुई। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, गाढ़े रंगों से दिखाया गया, काफ़ी भारी वर्षा हुई। साथ ही साथ बाकी जगहों में हल्के नीले रंगों में जो दिखाया गया जिन राज्यों को, उसमें भी काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। हम आते हैं दक्षिणी जगहों में, दक्षिण भाग में, लक्षद्वीप के इस भाग में और खासकर अंडमान निकोबार में भी अच्छी बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर हम पश्चिम तटीय राज्यों की हम बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, केरला, कर्नाटक, इस तटीय इन भागों में देखा जा रहा है गाढ़े नीले रंगों से दिखाया गया अच्छी वर्षा यहाँ दर्ज की गई है। अगर हम आने वाले 24 घंटे में कहाँ कहाँ पे भारी से भारी वर्षा दर्ज की गई है, इसकी अगर हम देखें तो ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए, ये सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश और ईस्ट उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिली। अगर हम सिर्फ भारी वर्षा की बात करें, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गैंगटिक, वेस्ट बंगाल, उसके बाद हम दक्षिणी जगह में अगर आएँ तो ये आपके केरला, तमिलनाडु, अगर हम ऊपर आएँ तो फिर बिहार, अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, तो इन जगहों पे एक तरह से भारी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम आज हमारे वेधशाला में 8:30 बजे जो रेनफॉल दर्ज की, जो वर्षा दर्ज की गई है 7 सेंटीमीटर और उससे भी ज़्यादा, उनको देखें तो हम पाएंगे कि प्रयागराज में 17 सेंटीमीटर, चित्रकूट में 16 सेंटीमीटर, चेरापूंजी में 15, प्रतापगढ़ में 14, रीवा, जलपाईगुड़ी में सोरा में 12 सेंटीमीटर, गुना में 11 सेंटीमीटर, कौशाम्बी, केंद्रपाड़ा, सीधी, मोहसिनराम, बागमारा, निकोबार, नौनकावरी में 10 सेंटीमीटर, बस्ती में 9 सेंटीमीटर, रायबरेली, सरस्वती, शेला, कोरिया, बीरभूम, कोचबिहार में 8 सेंटीमीटर, अनूपपुर, लखनऊ और सूरजपुर में 7 सेंटीमीटर। तो हम कहने का तात्पर्य यह है कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वर्षा आपके मध्य भारत, पूर्वी राज्य और पूर्वोत्तर राज्य में दर्ज की गई है। अगर हम ये लंबी अवधि की औसत की अगर हम मानसून की अगर वर्षा की अगर हम देखें तो कई जगहों पे आप देखेंगे अभी भी जहाँ पे लाल रंगों में दिखाया गया वहाँ मानसून की स्थिति थोड़ी सी कमजोर रही है। आइए चलते हैं हम सिनोप्टिक सिस्टम में जो 11 अगस्त को है। अगर आप देखें सबसे पहले अगर उत्तरी भाग में हम जाएँ तो एक पश्चिमी विक्षोभ जो पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान में था, ये काफ़ी निकट आया है उत्तरी भाग भारत की, खासकर जम्मू कश्मीर, पंजाब और इन जगहों में आप देखेंगे इन जगहों पे ये इसका असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अभी अगर मानसून ट्रफ की बात करें, मानसून की जो अक्ष है अभी आप देखेंगे जो उसका जो पूर्वी छोर है एक तरह से पूरी तरीके से तलहटी में, हिमालय की तलहटी में है और साथ ही साथ जो उत्तरी भाग है ये भी आप एक तरह से धीरे धीरे आगे ये सरकता जा रहा है। सो ये हम कह सकते हैं मानसून की जो ट्रफ है, मानसून ट्रफ है, ये फुटहिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय के तलहटी में जा बसा है। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन आप देखेंगे एकदम केंद्र में है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो यहाँ पे एक सर्कुलेशन काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन आपके राजस्थान के इस भाग में, दक्षिणी राजस्थान बोल सकते हैं आप इसको, इन जगह पे बना हुआ है। सो इस तरह से अगर आप देखें सो जो ये जो सर्कुलेशन जो आपके बिहार और उत्तर प्रदेश में है ये बना हुआ है, ये काफ़ी अच्छा एक सिस्टम या एक वेदर सिस्टम या एक रेनफॉल या एक अच्छा वर्षा एक यहाँ पे दे सकता है। जैसा कि अगर हम उपग्रह के मानचित्रों को अगर देखें तो आप देख सकते हैं उन्हीं जगहों पे क्लाउड का जमावड़ा और एक तरह से मॉनसून ट्रफ की जो स्थिति है एकदम से आप देख सकते हैं ये उत्तरी दिशा में जाती हुई दिख रही है। सो एक तरह से पूरी तरह से हिमाचल या हिमालय की तलहटी में ये दिख रहा है। साथ ही साथ अगर हम इन भागों को देखें, इन भागों में देखेंगे आप इसमें क्लाउड या एक तरह से किसी भी तरह का क्लाउड का उपस्थिति यहाँ पे दर्ज नहीं हो रही। अगर हम दक्षिणी जगह में एकदम अंडमान निकोबार और इन जगहों की तरह अगर रुक करें तो आप देखेंगे क्लाउड का जमावड़ा यहाँ पर भी काफ़ी बना हुआ है। साथ ही साथ सिनोप्टिक विंड भी अगर हम देखें, विंड की भी तीव्रता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। सो एक तरह से पूरी तरह से संपूर्ण भारत में अभी जो स्थिति बनी हुई है वह पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी राज्यों में काफ़ी बादल का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आइए चलते मौसम की चेतावनी आने वाले 24 घंटों में क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया कि जो मानसून का अक्ष जिस जगह पे है उस जगह से आप देखेंगे पूरा ऑरेंज अलर्ट दिया गया उन राज्यों को, खासकर पूर्वी में उत्तर प्रदेश, बिहार और असम, मेघालय, इन जगहों पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। साथ ही साथ अगर बाकी जगहों की बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ में साथ अगर हम तमिलनाडु, केरला, रायलसीमा
आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे येलो कलर से दिखाया गया। तो एक तरह से जो जो एक्टिविटी वर्षा की होने वाली वो इस तरह से कि हैवी रेनफॉल की, अगर भारी वर्षा की बात करें तो उत्तराखंड, एक तरह से उत्तराखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, अंदमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और केरला माहे में देखने को मिल सकती है। अब अगर हम थंडरस्टॉर्म और साथ में उसके साथ लाइटनिंग की एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से आप देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं इन जगहों पर ईस्ट उत्तर प्रदेश, उसके बाद साथ ही साथ ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, यनम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल। सो जिस येलो कलर में, जो पीले कलरों में दिखाया गया, साथ ही साथ उसमें हम इंगित किए गए हैं लाइटनिंग की एक्टिविटी और वर्षा की, तो थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की एक्टिविटी इन जगहों पे ज़्यादा होगी। अगर हम हवाओं की तीव्रता की बात करें 50 से 60 किलोमीटर पर आवर और साथ में उसकी गस्टिंग अगर 70 किलोमीटर पर आवर की बात करें तो ये मुख्य रूप से आप साउथ वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, इन जगहों पर देखने को आपको मिल सकती है। अगर स्क्वाली वेदर और 50 से 60 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग 70 किलोमीटर पर आवर की अगर हम बात करें तो ये साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और साउथ अंडमान सी, ये जो जगह मैं बता रहा हूँ आपको, ये जगह पे देखने को मिल सकती है। सो हम फिर से एक बार मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पे वो ना जाए। आइए चलते आने वाले 5 दिनों का क्या मौसम की चेतावनी रहेगी। तो जैसा कि हमने 11 तारीख को देखा, पूर्वोत्तर राज्यों में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, साथ ही साथ जो पूर्वी तटीय जो पूर्वी राज्य हैं उनमें भी आपकी भारी वर्षा, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलेगी। हालांकि 12 और 13 को भी ये एक्टिविटी समान रूप से चलेगी। अगर आप देखें 12 तारीख को भी स्थिति यथावत रह रही है, हालांकि उत्तरी भागों में भी उन जगह पे उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी आपको लाइटनिंग और वो एक्टिविटी दिख रही। 13 तारीख को भी स्थिति कम बेसी समान ही दिख रही है, लेकिन आप मध्य प्रदेश का ये भाग अभी थोड़ा सा कम तीव्रता कमी आ रही। हालांकि 14 और 15 को इन जगहों पे काफ़ी जो इनकी तीव्रता है, वर्षा की तीव्रता में कमी देखने को मिल सकती है, चाहे वो आपका दक्षिण प्रायद्वीप के राज्य हो या एक तरह से पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्य हो। सो हम एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 11 से 14 अगस्त के दौरान तमिलनाडु और 11-12 अगस्त के दौरान केरल में छिटपुट और भारी वर्षा हो सकती है। सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कुछ भाग अगर मध्य भारत से सटे मैदानी इलाकों और प्रायद्वीप भारत के अधिकांश हिस्सों में तमिलनाडु और केरला को अगर हम छोड़ दिया जाए तो बाकी हिस्सों में कम बारिश की संभावना दिख रही है। अगर आपने हमारे डाउनलोड अभी तक हमारे ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, आप तुरंत मानसून मौसम ऐप, दामिनी ऐप और मेघदूत ऐप डाउनलोड करिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।